हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके कायपलट चैनल की सुख आपके साथ। आज मैं आपको अपने साथ घुमाने ले जा रही हूँ यह धनबाद का सबसे बड़ा मंदिर रामराज मंदिर, जहाँ मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी और मैं आपके साथ अच्छे अच्छे व्यूज शेयर करूंगी। तो चलिए मेरे साथ रामराज मंदिर चलते हैं। ऑटो रिजर्व किया था तो ऑटो में बैठ गए। ये सब हमारे मोहल्ले के ही हैं तो हम लोग सभी साथ में ही जा रहे हैं। तो हमें जाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, तो हम लोग निकल गए हैं। रास्ते में कोलवड़ी भी पड़ी, तो एक कोलवड़ी देखिए सामने आपको बिल्कुल क्लोज दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोले निकल रहे हैं और ट्रक खड़े हुए हैं लेने के लिए, लोडिंग के लिए। फाइनली मंदिर पहुंच गए हैं। तो हमने ऑटो में ही चप्पलें अपनी खोल दी, सैंडल्स, और उसके बाद फिर प्रसाद के लिए आगे चलने लगे कि किसी दुकान से प्रसाद ले लेंगे। चलो प्रसाद। कैसे प्रसाद? देखिए यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। तो फिर प्रसाद कैसे चढ़ेगा? सुनिए तो आप, प्रसाद नहीं चढ़ेगा? तो अगरबत्ती लेके जाए लेडीज ने बताया कि यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ेगा, आप अगरबत्ती कर सकते हो पूजा करके, बस इतना ही। तो मेन गेट भी नहीं खुला हुआ था तो उन्होंने पीछे के रास्ते का गेट खोल के रखा है, आगे का गेट नहीं खुला है। तो पीछे वाले रास्ते से हम लोग अंदर जा रहे हैं, मंदिर में एंट्री करेंगे। फाइनली अंदर एंट्री कर ली। देखिए अंदर घुसते ही मंदिर का व्यू बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर था।
काइंडली पूजा कर ली, उसके बाद अगरबत्ती लगा दी, माथा टेक लिया, उसके बाद फिर पंडित जी से चनामृत का प्रसाद ले लिया। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे प्रसाद तो चढ़ा नहीं, तो अगरबत्ती करके ही पंडित जी से प्रसाद ले लिया। करने के बाद सबको ही फोटो शूट करवा रही थी, तो मुझे भी कह रही थी आंटी फोटो खींचिए, तो मैंने कहा नहीं मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए। तो उसने आप सबको हाय किया। देखिए चारों तरफ का व्यू कितना खूबसूरत है, मंदिर बहुत खूबसूरत है। तो मैंने भी फ़ोटो खिंचवाई और उसके बाद फिर बोटिंग के लिए हम लोग जाने लगे। मंदिर के पीछे की तरफ बोटिंग हो रही है, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ का भी व्यू बहुत खूबसूरत है। वहाँ जाने के लिए देखिए यही रास्ता, वो जो हमारे साथ आए ये सारी फैमिली यहाँ खड़ी है। सबको बोटिंग करते हुए देखा तो अपना भी मन कर गया। ये मेरी ननद है और इनकी मम्मी बैठी हुई हैं, मैं और मेरा बेटा आमने सामने बैठे हुए हैं, तो हम लोग भी बोटिंग करने बैठ गए। और जो हमारे साथ हैं वो लोग हमें बार बार टक्कर मार रहे हैं और हंस रहे हैं, बिल्कुल सटा दिया हम लोग के साथ उन्होंने, फिर उनके बोट को साइड कर दिया। तो बहुत मज़ा आ रहा था, इंजॉय बहुत किया हम लोगों ने।
फाइनली बोटिंग कर ली है। देखिए ऐसे व्यू कितनी खूबसूरत है। बोटिंग करने के बाद हम लोग फिर मंदिर की तरफ जाने लगे। फिर बाहर आ गए। बाहर का व्यू देखिए, ठेले लगे हुए हैं, कहीं गुपचुप बिक्री हो रहा है, कोई गुब्बारे बिक्री कर रहा है, छोटी छोटी दुकानें लगाई हुई हैं और लोग आते हैं। देखिए बहुत अच्छा, अभी नया ही एक साल ही हुआ है मंदिर को खुले हुए। तो फिर हम लोग आ गए गुपचुप की दुकान पे, तो गुपचुप खाया। फिर इसके बाद उनको कहा कि चाट बनाओ, चाट बनवाई, तो बहुत महंगी पड़ती है, कोई खास चाट नहीं थी, तो चाट फिर हम लोगों ने खाई। भूख भी बहुत लगी हुई थी तो चाट ही फिर खाई। और इसके बाद इडली भी खाई, इडली बहुत टेस्टी थी। इडली खाने के बाद फिर फाइनली अपने ऑटो में बैठ गए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी तो लगेगी ज़रूर। यदि आपको अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।